व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। ये है Realme 10 Pro Plus और आज हम पांच ऐसे सेटिंग बताने वाले हैं जो बहुत ही कमाल का है, जो आपके डिस्प्ले के लिए बेस्ट रहेगा और एक नेक्स्ट लेवल का आपको फील भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सुना होगा कि DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है। तो देखिए सेटिंग में जाके आपको क्या लिखना है, स्क्रीन लिखना है। स्क्रीन में देखिए स्क्रीन कलर मोड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए सिनेमैटिक दिखाएगा आपको, जिसमें से यूज डिस्प्ले P3 मोड, मतलब DCI-P3 जो कलर गैमेट होता है ये वही मोड है। इसमें आप आएंगे ना तो आपका जो फ़ोन का जो स्क्रीन है एक नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आता, जैसे मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा महंगा फील कराएगा और थोड़ा देर बाद आपको स्टार्टिंग में येलो लगेगा लेकिन उसके बाद आपका सही हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, DCI-P3 से अगर आपको आँख वगैरह में चश्मा लगा या प्रॉब्लम है तो इसमें आप करके रखिए, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। बात करते हैं अगले सेटिंग। अगला सेटिंग क्या है कि हम लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब वगैरह में तो HDR10+ वर्क नहीं करता है, या फिर कोई ऐसा वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में है लेकिन कलर उसका सही से नहीं निकल गया था, तो एक ऑप्शन है जो हम बंद करके रखते हैं, जिसको क्या करना, ऑन करना। उसके लिए आपको लिखना है वीडियो, लिखना आपको वीडियो और थोड़ा देर आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो कलर बूस्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा वीडियो कलर बूस्ट, इसमें क्लिक करिए तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑफ रहेगा, इसको ऑन करना है वीडियो कलर बूस्ट को। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इधर का जो एरिया है वो पहला है और ये वाला सेकंड है। ये वाला में क्या होता है कि बैटरी आपका थोड़ा ज़्यादा खाएगा लेकिन आपको वीडियो क्वालिटी एक नंबर मिलेगा, तो इसको आप ऑन करके रखिए, आपके लिए बेस्ट। बात करते हैं अगला सेटिंग। अगला सेटिंग क्या है कि आपका बैटरी बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो रहा है और आप परेशान हैं, तो एक चीज़ आपको करना है जिससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बचेगा। आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, देखिए आपको सिर्फ लिखना है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा देखिए ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखाएगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़, इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद जितना भी ऐप दिख रहा है आपको, ठीक है ना, उसको ऑप्टिमाइज़ कर देना है, ऑप्टिमाइज बैटरी पे करना है। जैसे देखिए इसमें थ्रॉटलिंग में वो ये है तो यहाँ पर ऑटो ऑप्टिमाइज़ पे कर दीजिए। फेसबुक भी डोंट में है, डोंट ऑप्टिमाइज़ है, इसको भी ऑटो ऑप्टिमाइज़ में कर दीजिए। यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, इसको भी ऑटो ऑप्टिमाइज़ में कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे IMO, इसको भी ऑटो ऑप्टिमाइज़, इंस्टाग्राम ये है ये है। तो इसी तरह से आप अपना YouTube वगैरह भी देख लीजिएगा कि वहाँ पर ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका रहेगा तो भैया आपका जो बैटरी है बहुत ही ज़्यादा बचेगा, बैटरी सेव होगा। अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए डोंट ऑप्टिमाइज में, तो बैटरी ज़्यादा खाएगा। तो ये सेटिंग आप कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट। चलिए बात करते हैं एक ऐसा सेटिंग जो लोगों को, जो लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं उनके लिए है। होता क्या है कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, रोड रास्ते में जाते रहते हैं और हमें मतलब पता नहीं चलता और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है फ़ोन यूज़ करते करते। तो एक फंक्शन है जो आपको अगर रोड रास्ता में आप चल रहे और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अलर्ट करेगा, उसका नाम है ये हेड्स अप। ये एक सेटिंग है, इसको ऑन करके रखिए अपने फ़ोन में। देखिए इस तरह से अगर ये ऑन करके रखेंगे और आप फ़ोन को यूज़ करेंगे और रनिंग में रहेगा फ़ोन, तो क्या होगा कि फ़ोन आपको अलर्ट भेजेगा कि भैया आप जो है अपना मुंडी उठा लीजिए, बहुत देर से आप फ़ोन देख रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये मैसेज आपको भेजेगा और आपको पता चल जाएगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं और फिर आपका सही होगा। तो आप अपने बच्चों के भी फ़ोन में इसको ऑन कर सकते हैं, रियलमी का खास करके फ़ोन रहेगा तो उसमें ये फंक्शन दिया। चलिए बात करते हैं एक ऐसा सेटिंग, मान लीजिए कि कॉन्ट्रास्ट हमें फ़ोन में कम देखने को मिल रहा है या फिर हम चाहते हैं कि भैया लो लाइट रहे लेकिन कॉन्ट्रास्ट ज़बरदस्त रहे, तो उसके लिए यहाँ पर सेटिंग में आपको आना है और यहाँ पर लिखना है हाई कॉन्ट्रास्ट। देखिए हाई CONTRAST यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा हाई कॉन्ट्रास्ट कलर। इसमें क्या है, बस इसको ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको जितने भी हाई कॉन्ट्रास्ट वाला एरिया है एकदम हाई देखने को मिलेगा। तो ये फंक्शन है जिसको आप ऑन कर सकते हैं, या आप ऐसे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, जैसे ही इसका प्रॉपर नाम लिखेंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि मैं Realme UI 5.0 पे कुछ ऐसे हिडन फीचर्स है जो बता रहा हूँ और आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको आप करिए, आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं लास्ट सेटिंग की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग स्क्रीनशॉट वाला काम करते हैं, जैसे मैं टेक न्यूज़ करता हूँ तो
स्क्रीनशॉट लेता हूँ, या फिर आप कुछ ऐसा चीज़ ले रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं लेकिन उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर कोई आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक तरीका तो यहाँ पर हो गया कि इसका नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे ये वाला। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम कितना बार ऑफ ऑन करते रहेंगे, तो एक ऐसा सेटिंग है इसमें जिसमें उस ऐप को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है आपको दिखा देते हैं। फोकस मोड, देखिए फोकस मोड आ गया। फोकस मोड को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे, देखिए यहाँ पर क्या है, टर्न ऑन नाउ, इसको कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आपको नोटिफिकेशन जो है हाइड रहेगा उस ऐप में। जैसे मैं न्यूज़ जब स्क्रीनशॉट लेता हूँ, टेक न्यूज़ देता हूँ, तो ये सारे ऐप को यूज़ करता हूँ जिसमें क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है यूज़ करने के टाइम में और हमें बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ से जस्ट आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, काफ़ी ज़बरदस्त है ये फंक्शन आपके फ़ोन में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही कुछ सेटिंग हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो मैंने आपको बताया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, और ये वॉलपेपर के बारे में जो वीडियो है मैंने दे दिया अपने टेलीग्राम में। देखिए ये वाला जो है वीडियो है टेलीग्राम में मैंने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये वीडियो है देख लीजिएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई वॉलपेपर कहाँ से आपने लगाया है, तो देखिए ये वीडियो आप देखिए, इसमें दो चीज़ है, पहला स्क्रीनशॉट और दूसरा वॉलपेपर आपको कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ बताऊँ, जाके देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।